हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम 24। आज है 28 मार्च 2019 और 28 मार्च 2019 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। आज का क्वेश्चन फर्स्ट, किस युवा भारतीय जोड़ी ने ताइपे में चल रही 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है अश्वनी प्रसाद और कृति सिंह, ऑप्शन बी है मनु भाकर और सौरभ चौधरी, ऑप्शन सी है सौरभ चौधरी और अनीता वर्मा, ऑप्शन डी है मनु भाकर और विवेक कौशिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मनु भाकर और सौरभ चौधरी की युवा भारतीय जोड़ी ने ताइपे के ताओयुआन में चल रही 12वीं एशियन गन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2, हाल ही में भारत द्वारा सैटेलाइट तक मार कर सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया है? ऑप्शन ए है मिशन आकाश, ऑप्शन बी है मिशन गगन, ऑप्शन सी है मिशन शक्ति, ऑप्शन डी है मिशन पराक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिशन शक्ति। अभी बुधवार को मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत से पहले कितने देशों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3 देशों ने इससे पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की है। कौन कौन से देश हैं? US, यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रसिया। ये 3 देश पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता वाली एक तकनीक विकसित की है जिससे चंद सेकंडों में मलेरिया TB जैसे बीमारियों की जांच हो सकती है? ऑप्शन ए है IIT मुंबई, ऑप्शन बी है IIT पुणे, ऑप्शन सी है IIT मद्रास, ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी IIT दिल्ली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित ऐसे हार्डवेयर तकनीक विकसित की है जिसे चंद सेकंडों में मलेरिया जैसे बीमारियों की जांच हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हाल ही में किस यूरोपियन देश ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से नवाजा है? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन डी है क्रोएशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्रोएशिया ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच सैनिक कूटनीति के हिस्से में प्रति वर्ष होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने 26 मार्च 2019 को तिब्बत में लोकतांत्रिक सुधार और पिछले 6 दशकों में विकास की छलांग पर एक श्वेत पत्र जारी किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चीन ने एक छलांग पर श्वेत पत्र जारी किया है। ओके फ्रेंड, 26 मार्च 2019 को तिब्बत में लोकतांत्रिक सुधार और पिछले 6 दशकों में विकास की छलांग पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अवैध तरीके से बाइक टैक्सी का
संचालन करने को लेकर ओला पर कुल 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए है बिहार सरकार, ऑप्शन बी है पंजाब सरकार, ऑप्शन सी है कर्नाटक सरकार, ऑप्शन डी है झारखंड सरकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने अभी ओला पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 6 महीने का प्रतिबंध भी लगा दिया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यूएन संस्था ओसीएच के मुताबिक किस अफ्रीकी देश में चक्रवात इराई के कारण तकरीबन 18.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन ए है मोजाम्बिक, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है लीबिया, ऑप्शन डी है मोरक्को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में अभी 18.5 लोग इडाई के कारण प्रभावित हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए है देना बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है केनरा बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक पर अभी हाल ही में आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, इस सॉफ्टवेयर को दिशा निर्देश का पालन नहीं करने के लिए इसने जुर्माना लगाया है। ओके फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एग्ज़ाम 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।